हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, लाला लाजपत राय ने 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन के अंदर हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? किसके अंदर किया था? ऑप्शन बी इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर उन्होंने किया था, और कब किया था? 1888 के अंदर किया था। उनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को हुई थी। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उनका उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। और यदि वो पूछ ले लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है, तो क्या बताओगे? कर्म भूमि कौन सी है? हिसार। और उन्होंने वकालत का कार्य कहाँ किया था? हिसार में, रोहतक के अंदर उन्होंने वकालत का कार्य किया था। और यदि पेपर के अंदर पूछ ले आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और हिसार में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। कब की थी? 1886 के अंदर की थी। हिसार में आर्य समाज की स्थापना 1886 में लाला लाजपत राय ने की थी। और 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व कब किया था? 1888 में किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। और 1889 के अंदर हिसार नगर पालिका का प्रथम सचिव भी बनाया गया था। 1892 में कांग्रेस अधिवेशन का नेतृत्व भी किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने किया था। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, लाला लाजपत राय को 1907 में डेनजर इबर्टसन को देश से निकाल दिया था, और उस टाइम हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। और उनको कहाँ रखा गया था? म्यांमार की मांडले जेल के अंदर रखा गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। लाला लाजपत राय को म्यांमार की किस जेल के अंदर रखा गया? मांडले जेल के अंदर। या ये पूछ लिया जाता है कि लाला लाजपत राय को मांडले जेल के अंदर रखा गया था, वह कौन से देश में है? तो क्या आंसर आएगा? म्यांमार। और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के तीन प्रमुख नेता में से एक थे। लाल बाल पाल में से प्रमुख एक थे, गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ था? लाहौर के अंदर साइमन कमीशन आया था। लाहौर में साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन के विद्रोह में हिस्सा लिया था। उन्होंने प्रदर्शन किया था, और सांडर्स ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, और वो बुरी तरह लाठी चार्ज में घायल हो गए थे। जिस टाइम वो घायल हुए थे, उन्होंने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूते पर एक एक कील का काम करेगी। और आने वाले टाइम में ये काम हुआ भी। लाला जी के बलिदान के 20 साल के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का सुरेस्त हो गया था, और सांडर्स ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, और लाठी चार्ज में लाला जी घायल हो गए थे। और घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उस चोट की वजह से उनका देहांत हो गया था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर दो, सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में पहली बार थीम राज्य कौन सा बना था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में पहली बार थीम राज्य कौन सा बना था? ऑप्शन ए राजस्थान बना था। देखो, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 34वां लगा था, 34 नंबर का मेला 2020 के अंदर लगा था, और कब लगा था? 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के बीच में लगा था। इसके अंदर सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के अंदर एक साथ ही राष्ट्रीय होता है और एक राज्य होता है। 34वां सूर्यक्राफ्ट मेले के अंदर साथी राज्य कौन सा था? उज्बेकिस्तान था, और राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। और 2020 के अंदर उद्घाटन किसने किया था? हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था। और सूर्यकुंड क्राफ्ट मेला भारत में सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है, और वो
कौन सा है? सूरजकुंड फरीदाबाद। यदि क्वेश्चन पूछ ले भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो क्या करोगे? फरीदाबाद में किया जाता है। और कौन सा मेला है? वो सूरजकुंड मेला है। देखो पहली बार आयोजन कब हुआ था? 1987 के अंदर हुआ था। और प्रथम फोकस राष्ट्रीय कौन सा था? 2009 में मिस्र था। और प्रथम साथी राष्ट्रीय कौन सा था? 2012 में थाईलैंड था। यदि वो पूछ ले कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में प्रथम साथी राष्ट्रीय कौन सा था? 2012 में थाईलैंड था। और यदि पूछ ले प्रथम थीम राज्य कौन सा है? 1989 राजस्थान। यदि वो पूछ ले प्रथम फोकस राष्ट्रीय कौन सा है? 2009 में मिस्र। और पहली बार आयोजन कब किया गया था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला? 1987 के अंदर किया गया था। अब देखो तीसवां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगा था? 2016 में लगा था। और उसमें साथी राष्ट्रीय कौन सा था? चीन था। और राज्य कौन सा था? तेलंगाना। राज्य कौन सा था? तेलंगाना। और जब 31वां लगा था 2017 के अंदर, तो उसमें साथी राष्ट्र कौन सा था? मिस्र था। और राज्य कौन सा था? झारखंड। राज्य कौन सा था? झारखंड था। और 32वें के अंदर साथी राष्ट्र कौन सा था? कजाकिस्तान था। और राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। और 32वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किसने किया था? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इस बात को याद रखना। यदि वो पूछे प्रथम साथी राष्ट्र कौन सा है? 2012 थाईलैंड। 30वां मेला कब लगा था? उसमें साथी राष्ट्र कौन सा था? चीन था। और 31वां कब लगा था? 2017 में लगा था। उसमें साथी राष्ट्र कौन सा था? मिस्र था। 32वें में कौन था साथी राष्ट्र? कजाकिस्तान था। इस स्लाइड के अंदर से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है हर बार। आगे देखो 33वां कब लगा था? 2019 में लगा था। और उसमें साथी राष्ट्र कौन सा था? थाईलैंड। साथी राष्ट्र कौन सा था? थाईलैंड था। और राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। और उद्घाटन किसने किया था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका उद्घाटन किया था उस मेले का, ठीक है। और सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के मुख्य तथ्य देखो, यदि वो पूछते सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के ब्रांड मास्टर कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। और सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में निकटतम मेट्रो स्टेशन कौन सा है? बद्रपुर मेट्रो स्टेशन है। और यदि पेपर के अंदर पूछ ले राज्य का प्रथम कैशलेस मेला कौन सा है, तो कौन सा है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला क्या है? प्रथम कैशलेस मेला है। आगे देखो राज्य का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वो भी सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है। और राज्य में किस मेले को देखने के लिए सर्वाधिक विदेशी पर्यटन आते हैं, तो कौन सा करोगे? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद। और राज्य सरकार को किस मेले में सर्वाधिक आमदनी होती है, तो क्या करोगे? सूर्यकुंड क्राफ्ट मेला। इस क्वेश्चन के अंदर से यदि सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो सभी के सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर से क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हरियाणा में संस्कृति का प्रचार की ब्रांड मास्टर कौन है? ऑप्शन ए IAS नीना मल्होत्रा, दीपिका मलिक, ऑप्शन सी अनु कुमारी, ऑप्शन डी हिमांशी। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए IAS नीना मल्होत्रा आएगा, ठीक है। अभी देखो हरियाणा राज्य के ब्रांड मास्टर, यदि वो पूछे हरियाणा राज्य का ब्रांड मास्टर कौन है? बाबा रामदेव। और पूछ ले हरियाणा आयुर्वेदिक का कौन है? वो भी बाबा रामदेव है। और रोहतक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड मास्टर कौन है? साक्षी मलिक। और हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड मास्टर कौन है? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। इस क्वेश्चन के अंदर हरियाणा के जितने भी ब्रांड मास्टर थे सभी के सभी डाल दिए गए हैं, ध्यान से देखना। टीबी फ्री मशीन के कौन है? अमिताभ बच्चन, योगेश्वर दत्त और श्री मनोहर लाल खट्टर, हमारे CM। आगे देखो हरियाणा खेल के ब्रांड मास्टर कौन है? योगेश्वर दत्त है। हरियाणा खेल के ब्रांड मास्टर कौन है? योगेश्वर दत्त है। आगे देखो महिला व बाल विकास मंत्रालय के ब्रांड मास्टर कौन है? हिमांशी। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो जज्जर से बिलोंग करती है। और यदि पूछ ले चेचक व खसरा के ब्रांड मास्टर कौन है? मनु बाकर और गौरी शोरान। चेचक व खसरा के कौन है? मनु बाकर व गौरी शोरान। एमिनिया फ्री, यहाँ फ्री कर लेना, उनकी ब्रांड मास्टर कौन है? मानसी जिल्लर, जो हमारी क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी। और हरियाणा चुनाव आयोग के ब्रांड मास्टर कौन है? दीपा मलिक। दीपा मलिक। हरियाणा संस्कृति के ब्रांड मास्टर कौन है? यहाँ पे कर लेना IAS नीना मल्होत्रा। नशा छोड़ो अभियान के ब्रांड मास्टर कौन है? संजय दत्त। नशा छोड़ो ब्रांड अभियान के ब्रांड मास्टर कौन है? संजय दत्त है। आगे देखो सोनीपत जिले के ब्रांड मास्टर कौन है?
ये आपको क्वेश्चन में स्पेंडिंग है। सिरसा जिले के ब्रांड मास्टर कौन है? सविता पूनिया हॉकी से, सविता पूनिया हॉकी से। और पंचकुला जिले के ब्रांड मास्टर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कौन है? शिवानी कपूर। पंचकुला जिले के ब्रांड मास्टर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कौन है? शिवानी कपूर है। और गुरुग्राम जिले के ब्रांड मास्टर कौन है जो स्वास्थ्य विभाग से, कौन है? शेखर गुलेरा, शेखर गुलेरा। ठीक है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंसी के ब्रांड मास्टर कौन है? अनिता कुंडू। कहाँ से संबंध है? हिसार से संबंध है। और सेल्फी विद डॉक्टर के ब्रांड मास्टर कौन है? अवनी अग्रवाल। यदि ब्रांड मास्टर पूछे तो सभी के सभी ब्रांड मास्टर इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य का बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी मानेसर, ऑप्शन डी फरीदाबाद। राज्य का बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी मानेसर के अंदर स्थित है। अभी देखो, राज्य के अंदर प्रमुख आधुनिक पार्क कौन कौन से हैं? आईटी पार्क कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। टेक्नोलॉजी पार्क पूछ ले तो पंचकुला के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछ ले तो मानेसर के अंदर। फुटवेयर पार्क पूछे तो कहाँ पर है? बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर। ज्वेलरी पार्क पूछे तो कहाँ पे? गढ़ी हुसैन गुरुग्राम के अंदर। थीम पार्क पूछ ले तो कुंडली सोनीपत के अंदर। और ताऊ देवीलाल औषधीय पार्क पूछ ले तो कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। आईटी पार्क पूछे तो गुरुग्राम, टेक्नोलॉजी पार्क पूछे तो पंचकुला, बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछे तो मानेसर, फुटवेयर पार्क पूछे तो बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर, ज्वेलरी पार्क कहाँ पे? गढ़ी हुसैन गुरुग्राम, और थीम पार्क कहाँ पे? कुंडली के सोनीपत में, और ताऊ देवीलाल औषधीय पार्क कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर। आगे देखो, हरियाणा के अंदर फूड पार्क देखो, हरियाणा के अंदर कुल कितने फूड पार्क है? 4 फूड पार्क है। पहला कहाँ पे? सहा के अंबाला के अंदर, और दूसरा राई सोनीपत में, तीसरा नरवाना के जींद में, और चौथा कौन सा है? यहाँ पे डबवाली कर लेना, डबवाली सिरसा के अंदर। चौथा कहाँ पे है? डबवाली सिरसा के अंदर है। आगे देखो, नोट, यह सभी के सभी फूड पार्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग उद्योग को बढ़ावा देते हैं। ये सभी के सभी फूड पार्क क्या है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग उद्योग को बढ़ावा देते हैं। आगे देखो, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कितने? 3 है। यदि वह पूछे कि हरियाणा में फूड पार्क कितने हैं तो 4। यदि पूछे हरियाणा में मेगा फूड पार्क कितने हैं तो क्या करोगे? 3 करोगे। क्या आएगा? पहला कहाँ पे? सहा के अंबाला के अंदर। दूसरा कहाँ है? राई सोनीपत में। तीसरा कहाँ है? भरारी के सोनीपत के अंदर। ठीक है, मेगा फूड पार्क पूछे तो कितने हैं? 3। और फूड पार्क पूछे तो कितने हैं हरियाणा के अंदर? 4। क्वेश्चन नंबर 5, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा में कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। कितने को किया गया है सर्वे ऑफ हरियाणा द्वारा स्मारकों को संरक्षित? ऑप्शन बी 23 को किया गया है। अभी देखो, संरक्षित स्मारक हरियाणा में कितने? कुल 23 है। पहला कौन सा है? प्राचीन टीला सुद, और वो कहाँ पे है? यमुनानगर जिले के जगाधरी के अंदर है। ठीक है, और तहसील कौन सी है? अमदलापुर और दयालगढ़ गांव के बीच में स्थित है। दूसरा कौन सा है? बोधसपूत, बोधसपूत कहाँ? जगाधरी, वो भी कहाँ पे? यमुनानगर जिले के अंदर है। अगला देखो, चहार कुतुब दरगाह, वो कहाँ पे? हिसार जिले में हांसी तहसील में स्थित है। और कौन सा? असीगढ़ किला, असीगढ़ किला हांसी के अंदर स्थित है। और असीगढ़ किले को ही क्या कहा जाता है? तलवारों की फैक्ट्री कहा जाता है। और जहाज कोठी, अगला कौन सा? जहाज कोठी, वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है, फिरोजशाह पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर। आगे क्या है? शेख तैयब का मकबरा, वो कहाँ पर है? कैथल में अंदर है। प्राचीन पुल, प्राचीन पुल ब्रिज, वो कहाँ पर है? करनाल शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर, और इसे प्राचीन मुगल पुल भी कहते हैं, प्राचीन पुल या प्राचीन मुगल पुल कहते हैं। आगे देखो, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर के अंदर स्थित है। अगला देखो, यूरोपियन कब्रिस्तान, यूरोपियन कब्रिस्तान, वो कहाँ पर है? अंबाला जिले की अंबाला छावनी के अंदर है। प्राचीन टीला बिड़ाना, वो कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले के अंदर। प्राचीन टीला बिड़ाना कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले के अंदर है। और प्राचीन टीला कुनाल, वो भी कहाँ पर है? वो भी फतेहाबाद के अंदर है। यदि शीश महल कहाँ पर है? शीश महल कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले के फूरकनगर के अंदर है। शीश महल कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले की फूरकनगर में है। और पूछ ले, देहरा मंदिर कहाँ पर है? वो भी गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। आगे देखो, प्राचीन गुमंद, प्राचीन गुमंद कहाँ पर है? हिसार के महावीर स्टेडियम के पास, गवर्नमेंट कॉलेज से वह पंचायत भवन के साथ लगता है।
तो प्राचीन गुंबद कहाँ पर है? वो भी हिसार के अंदर स्थित है। चोर गुंबद कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में। चोर गुंबद कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में। शोभा सागर तालाब, शोभा सागर तालाब कहाँ पर है? वो भी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर के अंदर है। ठीक है, छत्ता राय बाल मुकुंद दास का, इसे बिरबल का छत्ता भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है? ये भी महेंद्रगढ़ के नारनौल जिले के अंदर है। चोर गुंबद पूछे तो भी महेंद्रगढ़ नारनौल, शोभा सागर तालाब पूछे तो वो भी महेंद्रगढ़ नारनौल, बिरबल का छत्ता पूछे तो भी महेंद्रगढ़ नारनौल, छत्ता राय बाल मुकुंद दास पूछे तो वो भी महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। आगे देखो, मिर्जा अली जान व बावली का सिंहासन, वो भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर स्थित है। मिर्जा अली जान बावली का सिंहासन कहाँ पे है? वो भी महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर है। भीमा देवी मंदिर व कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है, और किसके पास है? पिंजौर गार्डन के पास समीप है। ठीक है, अगला कौन सा है? तकिया बनवावा फकीर, वो कहाँ पर है? वो भी पंचकूला के अंदर स्थित है। अगला कौन सा है? विश्वमित्र का टीला, इसे हर्ष का टीला के नाम से भी कहा जाता है। विश्वमित्र टीला को हर्ष के टीला के नाम से भी कहा जाता है, और यह कुरुक्षेत्र पीर के शेख सील कब्र के पास स्थित है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, पीर तुकमान की मस्जिद व कब्र, वो कहाँ पर है? वो भी महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है। पीर तुकेमान की मस्जिद व कब्र कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के अंदर स्थित है। त्रिपोलिया गेटवे, त्रिपोलिया गेटवे कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है। शाहनिवास की कब्र और मकबरा कहाँ पर है? वो भी महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है। मोस्टली कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है। महेंद्रगढ़ नारनौल में कौन कौन सा है? शाहनिजाम की कब्र, त्रिपोलिया गेटवे, पीर तुकमान की मस्जिद व कब्र, अगला कौन सा है? मिर्जा अली जान व बावली का सिंहासन, वो भी कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है। छत्ता राय बाल मुकुंद दास को भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। शोभा सागर तालाब कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। चोर गुंबद कहाँ पर है? वो भी महेंद्रगढ़ के नारनौल में। और प्राचीन गुंबद कहाँ पर है? हिसार के स्टेडियम के पास है। ये थे 21 टोटल के सारे और इन 23, ठीक है, और 23 मार्क में से एक मार्क पेपर के अंदर 101% पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतने शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये बात और बताना, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।